ऐसे दुश्मन के नीचे नतमस्तक हो जाता है जो हाफिज सईद के ऊपर हिंदुस्तान का साथ नहीं देता। अब बात करते हैं साहब अपने प्रधानमंत्री साहब की, जिनपिंग के साथ आ जाते हैं और उसके साथ खबरें आती हैं आज तक की, जिसमें कहा जाता है कि जिनपिंग शाम को होंगे कार्यक्रम, सुनेंगे भजोरे भैया राम गोविंद हरी। चाइनीज जानते हैं, खेतियर मजदूर थे जिनपिंग। अब उसके बारे में बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन लगा करके खबरें चलाई जाती हैं कि दो, और रोहित सरदाना के द्वारा, रोहित सरदाना बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं रोहित सरदाना, और रोहित सरदाना दावा करते हैं साहब वो ये चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है। लेकिन ये जो चल रहा है वो चल रहा है बहुत सही है, चाइना के प्रोडक्ट्स को बहुत सारा कारोबार हिंदुस्तान से मिल रहा है। इतना कारोबार किसी अमेरिकन कंपनी को नहीं मिला, इतना कारोबार किसी जापानी कंपनी को नहीं मिला। बहुत सारी कंपनियाँ छोड़ के जा रही हैं देश से, देश की इकोनॉमी डाउन है, और मोदी तेल लगाने पहुंच जाते हैं जिनपिंग को तमिलनाडु में। जो दिल्ली नहीं आया उसने इच्छा जताई थी कि मैं महाबलीपुरम आना चाहता हूं। महाबलीपुरम वो क्यों आए वहां? क्योंकि बौद्ध की मूर्तियां थी, बौद्ध स्थल था तमिलनाडु में, और बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया। और एक अपने आप को हिंदू कहने वाला प्रधानमंत्री जो मॉब लिंचिंग कराता है, सब कुछ कराता है, वो उसके स्वागत में आंखें बिछाए हुए दिल्ली छोड़ करके उसके स्वागत में नतमस्तक हो जाता है। ऐसे दुश्मन के नीचे नतमस्तक हो जाता है जो हाफिज सईद के ऊपर हिंदुस्तान का साथ नहीं देता। दोस्तों अब आप खुद सोचिए, खुद रियलाइज कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं क्या जो जिनपिंग के सामने झुक जाते हैं। कभी इन्हीं चीनियों ने बोला था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, हिंदी चीनी चीनी भाई भाई, और हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार। एक दूसरी तस्वीर आती है, उस दूसरी तस्वीर के बारे में दूसरा वीडियो मेरा होगा जिनपिंग और मोदी जी के बारे में, और सवाल होंगे मोदी जी के बारे में, मोदी जी इतने हिपोक्रेट क्यों हैं, उनका क्यों बहिष्कार किया जा रहा है तमिलनाडु में। बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, गो बैक मोदी, इतने सारे ट्रेंड तो कभी नहीं चले जो अब चलने लगे हैं ट्विटर पर। लेकिन मोदी जी सवालों को जवाब दीजिए, जिसको आपने इतना ट्रेड दिया, इतना व्यापार दिया, उसके यहाँ एक बैंक खोला, अपने बर्बाद कर दिए बैंक आपने चीन की दोस्ती के पीछे, फिर भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो क्यों खड़ा है? इसका जवाब मोदी जी क्या आप दे पाएंगे, या मीडिया आपसे सवाल पूछ पाएगा? सवाल नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। क्योंकि जो आप दिखाते हैं वो हिंदुस्तान की जनता को दिखता है। पहले तो जो कुछ होता था वो हिंदुस्तान की जनता को साफ साफ दिखता था, अब तो आप पिक्चर दिखाते हैं समाचारों की, न्यूजों की, सबकी। मोदी जी अपने बहाने अपने पास रहने दीजिए, मेरी खबरों का स्टाइल यही है, क्योंकि सवाल पूछना मेरा फर्ज है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मैं आम आदमी होने के नाते ही सवाल पूछता हूँ, जो खबरें देखता हूँ उन पर ही विफरता हूँ, और विफरना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के युवा को जॉब की ज़रूरत है, हिंदुस्तान के युवा को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हिंदुस्तान के युवा के माँ बापों को सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्या आप दिला पाएंगे चीनी कंपनियों से? कितने चीनी आए उसके बारे में कोई सवाल नहीं मिलता। दोस्तों अब ज़्यादा हो जाएगा तो अब ज़्यादा ना कर करके थोड़ा ही बोलता हूँ कि मोदी जी ये बताइए कि चीनी कंपनियों ने हिंदुस्तानियों को कितनी नौकरियां दी हैं, जिनके स्वागत के लिए आप अपना सारा मान सम्मान भूल करके दिल्ली से महाबलीपुरम पहुँच गए। पहले तो दिल्ली आना चाहिए था आपका सम्मान करने के लिए, आपका अपमान भी किया जिनपिंग ने, वो सीधे महाबलीपुरम पहुंचे, आपके साथ आते, बैठते, बात करते, उसके बाद आप महाबलीपुरम उतरते। लेकिन वो सीधे महाबलीपुरम आए और आप दास की तरह, जैसे अंग्रेजों के चाटुकार हुआ करते थे, वैसे आप वहां पहुंच गए।
दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो।